दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के बॉलीवुड में आने से पहले महानायक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बादशाह माने जाते थे, लेकिन जब अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर अमिताभ बच्चन को पूरी तरह से पछाड़ दिया। इन्होंने बॉलीवुड में आने के बाद जितनी भी फिल्मों में काम किया वो सभी हिट हो गई, जिसके चलते सभी निर्माता और निर्देशक इनकी तरफ आकर्षित हो गए और अमिताभ बच्चन को भूल गए। उस दौर में डांसिंग किंग गोविंदा ने भी बॉलीवुड में एंट्री ली थी, जो फिल्मों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते उनकी भी कुछ हिट फिल्में हो रही थी। ये देखते देखते सुपरस्टार भी बन गए थे। हालांकि ये तीनों ही दमदार अभिनेता हैं, एक दूसरे को टक्कर देने में कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन तीनों ने ही कुली नाम की फिल्मों में काम किया, और आज हम आपको इन तीनों की फिल्म कुली यानी अमिताभ बच्चन की कुली, गोविंदा की कुली नंबर 1 और मिथुन की बिल्ला नंबर 786 और बंगाली फिल्म कुली के बारे में बताएंगे कि इन तीनों अभिनेताओं में किसकी कुली बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, किसकी फ्लॉप। अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ ही कुली फिल्म के लिए वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री के दमदार अभिनेताओं के बारे में तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है अमिताभ बच्चन, गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती, जो बॉलीवुड के चमकते सितारे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। साथ ही एक दूसरे के लिए बराबर की टक्कर भी साबित हुए। इन तीनों ने कुली नाम की फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से किसकी कुली हिट हुई, किसकी कुली फ्लॉप, आज के इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली से। अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली 1983 में आई और फिल्म में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर मुख्य किरदार में थे, जिसे निर्देशक मनमोहन देसाई ने बनाया था। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ था और फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपना शानदार प्रदर्शन किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ की कमाई कर पाई और फिल्म सुपरहिट हो गई। अब बात करते हैं गोविंदा की फिल्म कुली नंबर 1। तो ये फिल्म 30 जून 1985 को आई थी, जिसे डेविड धवन ने निर्देशित किया। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ था और जिसमें गोविंदा के अपोजिट करिश्मा कपूर नजर आई थी। इन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की और फिल्म को शानदार हिट बनाया। इस फिल्म ने 13 करोड़ की कमाई की और ये हिट फिल्म साबित हो गई। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट मिथुनदा की, जिनकी फिल्म बिल्ला नंबर 786 29 दिसंबर 2000 को आई। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती कुली का किरदार निभाते हुए दिखे। इस फिल्म को इमरान खालिद ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ था और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने शानदार एक्टिंग की, पर फिर भी ये ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, 2 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाई थी। इसके बाद इन्होंने बंगाली फिल्म कुली में काम किया, जिसे स्वपन शाह ने निर्देशित किया था। फिल्म का बजट 1.2 करोड़ था, पर मिथुनदा की शानदार एक्टिंग के चलते इस फिल्म ने 4.5 करोड़ की कमाई की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। दोस्तों क्या हुआ, मिथुनदा की कुली फिल्म नहीं चली तो बाकी फिल्मों ने तो अच्छा बिजनेस किया ना। तो दोस्तों ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मिथुनदा सबसे अच्छे और दमदार अभिनेता है। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है, अपनी राय कमेंट में दीजिए और बॉलीवुड से जुड़ी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।